हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी चैप्टर नंबर थ्री इन ऑफ डी ए वी मैथ्स क्लास मैथ्स बुक एंड इट्स वर्कशीट नंबर वन एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इन हमें ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका क्या करना है इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स हमें इंटीजर्स से इनको रिप्रेजेंट करना है ये हमारे पास एस, ए बी सी ऐसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन कुछ है तो फर्स्ट है हमारे पास अर्निंग रुपी फाइव हंड्रेड अभी ये कराने से पहले मैं आपको एक बार इंटीजर्स की दोबारा से डेफिनेशन बता रही हूँ मैंने आपको इसे पहले वाले वीडियो में कराई थी तो इंटीजर की डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन ऑफ इंटीजर इन पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो आर कोल्ड इंटीजर्स मीन्स जिनके आगे प्लस का सिंबल आए प्लस लिखा हो ना लिखा हो एक ही बात होती है मीन्स वहाँ पे प्लस है प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स अलोंग विद जीरो ठीक है तो ये हमारे क्या होते हैं इंटीजर्स मीन्स इसको हम यहाँ नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं अब इन्हीं की हेल्प से ये जो हमें दिए हुए हैं इन्हीं की हेल्प से हमें इनके कुछ ये दिए हुए हैं हमें इनके आंसर देने हैं Means अगर कोई चीज जैसे पहला है हमारे पास अर्निंग रुपी फाइव हंड्रेड ठीक है फाइव हंड्रेड रुपीज हमने अर्न किए हैं अब आप ये देखो अर्निंग क्या होता है हमारे लिए ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव इफेक्ट है इसका हमने कुछ चीज हमने कुछ अर्न की है तो हमारे पास रुपीज आए हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस प्लस फाइव हंड्रेड नेक्स्ट इज लॉस ऑफ रुपी नाइन्टी नाइन्टी रुपी का हमें लॉस हुआ है हमारे पास हमने कुछ मान लो कुछ चीज़ परचेज की है तो उसमें से हमें क्या है उस पर लॉस हो गया है नाइन्टी रुपी का तो इसका नेगेटिव इफेक्ट है ठीक है तो हमें लॉस किसी को भी नहीं पसंद होता तो इसकी ये नेगेटिव इफेक्ट है तो यहाँ क्या जाएगा माइनस नेक्स्ट क्लाइंबिंग अप अच्छा इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ मैंने आपको ये पहले भी कराया था कि राइट हैंड साइड जाते हैं तो पॉजिटिव है अप जाएंगे ऊपर जाएंगे तो भी क्या होगा पॉजिटिव लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव और डाउन चले जाएंगे परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ठीक है अब इसमें देखो यहाँ पे तो हमारे पास है क्लाइंबिंग अप टेन स्टेप्स टेन स्टेप्स हमने क्लाइंब अप किया है हम ऊपर गए तो ऊपर के लिए हमें क्या कौन सा सिंबल यूज करना है प्लस विदड्रॉल ऑफ रुपी फाइव हंड्रेड फ्रॉम अ बैंक फाइव हंड्रेड रुपीज हमने विड्रो किए हैं कहाँ से विड्रो किए हैं बैंक अकाउंट में से विड्रोल क्या होता है हमारे जो बैंक में हमारी मनी थी उसमें से हमने कुछ निकाल लिया तो वो जो बैंक में मनी है वो क्या है कम रह जाएगी पैसे निकालने के बाद ठीक है तो ये कैसा नेगेटिव इफेक्ट है क्योंकि बैंक में हमारा जो पैसे हैं रुपीज है, वो कम हो गए हैं ई पार्ट है फाइव मीटर अबव सी लेवल अब आप ये देखो जैसे मान लो ये सी है ठीक है ये वाटर है अगर इससे ऊपर जाते हैं ठीक है जैसे वन मीटर टू मीटर थ्री फोर ऊपर जाने के लिए अभी मैंने आपको दिखाया था अबव सी लेवल ऊपर जाते तो किसका सिंबल आता है पॉजिटिव ठीक है तो ऊपर जा रहे हैं तो हमारा कैसा आएगा पॉजिटिव मीन्स प्लस फाइव आएंगे यहाँ मीटर रूपी दिखाने की जरूरत नहीं है सिर्फ उन्होंने बोला यूजिंग इंटीजर आपको इंटीजर दिखाना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा या नेगेटिव इंटीजर आएगा नेक्स्ट इज थ्री किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ अब हमें थ्री किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चलना है अब इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आएगा ठीक है ठीक है मैं यहाँ पे एक बार ये बना रही हूँ डायरेक्शंस दिखाऊंगी आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ठीक है आप सबको पता है ये डायरेक्शन हमें पता होते हैं जब भी हम पेपर पे बनाते हैं अगर हम ऐसे प्लस बनाएंगे तो जो हमारा राइट हैंड साइड होगा जो राइट right इधर जा रहा होगा वो ईस्ट होता है तो ईस्ट के अपोजिट क्या होता है वेस्ट और ऊपर क्या होता है नॉर्थ और नीचे क्या आएगा साउथ पेपर पे हम कैसे भी बनाएं तो यही डायरेक्शन लेनी होती है अब थ्री किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ की तरफ अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें इसमें थ्री किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ जाना है नॉर्थ में जा रहे हैं और मैंने आपको बताया था ऊपर जाने के लिए कैसा सिंबल यूज होगा पॉजिटिव ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ पे आ जाएगा हमारा थ्री और इसके आगे सिंबल लग जाएगा पॉजिटिव टेन डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो ठीक है जीरो से बिलो अब बिलो क्या है नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने के लिए कैसा आएगा नेगेटिव ठीक है बेशक आप इसमें देख लो जैसे यहां अगर ये सेंटर है जीरो है तो इससे नीचे जाएंगे तो कैसे आएगा नेगेटिव ठीक है नेक्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ ट्वेंटी फाइव मार्क्स अब आप ये देखो कि मान लो आपके पेपर में मार्क्स आए हैं ठीक है आपके मार्क्स आए हैं मान लो आपका हंड्रेड का पेपर था आपके मान लो ये है हंड्रेड में से आपके क्या है जब आपको आपकी आंसर शीट मिली तो आपने देखा उस पर क्या है फिफ्टी ठीक है लेकिन आपने उसके बाद आप अपने पेपर का टोटल किया तो आपको पता चला कि वो गलत उसमें टोटल गलत हुआ हुआ है ठीक है आपके मार्क्स एन इंक्रीज ऑफ ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मार्क्स आपके इंक्रीज हो गए मीन्स बढ़ जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे सेवेंटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड मीन्स ये कैसा है पॉजिटिव इफेक्ट है ना इंक्रीज होना तो ये हमारा कैसा आएगा प्लस ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ये हमने इंटीजर्स की हेल्प से यहाँ ये जो हमारी स्टेटमेंट्स है इनके हमने आंसर दिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू है राइट द अपोजिट्स ऑफ अब हमें इनका क्या करना है अपोजिट लिखना है ठीक है अब अपोजिट में देखो क्या करना पड़ेगा पहले हमारे पास डिपोजिटिंग रुपये वन थाउजेंड इन अ बैंक अकाउंट इस डिपॉजिट करने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बैंक अकाउंट है डिपॉजिट किया हमने उसमें उन बैंक वालों को रुपीज वो हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें ऐड कर लें उनको ठीक है डिपॉजिट किया है, जमा करवा दिए वो हमने ठीक है डिपॉजिट करवाया है अब डिपॉजिट का उल्टा क्या होगा एक बार तो आप डिपॉजिट करा के आयो मीन्स बैंक वालों को दे के आए हो ठीक है अब डिपॉजिट का उल्टा क्या होता है कि हम बैंक में से पैसे निकाल लें उसको क्या बोलते हैं विड्रो ठीक है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे विड्रोइंग सारी स्टेटमेंट वही रहेगी सिर्फ डिपॉजिट का उल्टा डिपॉजिटिंग का हमने अपोजिट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विड्रोइंग रुपी वन थाउजेंड अ बैंक अकाउंट ठीक है इस बस डिपॉजिट का उल्टा क्या हो जाएगा विड्रो। नेक्स्ट है डिक्रीज़ मतलब ऑफ़ उल्टा क्या है मतलब नीचे आ गया। जैसे यहां पे है यहाँ से हम डिक्रीज मतलब नीचे तो इसका अपोजिट क्या होगा ऊपर जाना और ऊपर जाने को क्या कहेंगे डिक्रीज का उल्टा क्या हो जाएगा इनक्रीज ठीक है तो हम क्या लिखेंगे इनक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज. of five marks next is earning रुपी 200. अब यहाँ पे हमने क्या किया अर्न किया है हमने अर्न किया मीन्स हमने कमाए हैं ठीक है थीके? अब अर्निंग क्या? अर्निंग मीन तो पैसे हमारे रूपीज जो वो हमारे पास आए हैं लेकिन इस इसका उल्टा क्या होगा अर्न में तो हमारे पास रुपीज आते हैं ठीक है अब रुपीस जाएंगे कैसे कि हम क्या उनको खर्च कर दें मीन्स हम क्या कर दें उनको स्पेंड कर दें तो क्या आ जाएगा अर्निंग का उल्टा क्या हो जाएगा स्पेंडिंग रूपी टू हंड्रेड नेक्स्ट इज गोइंग टू किलोमीटर टुअार्ड ईस्ट अब ये तो हमारा यहीं से हो जाएगा जो हमने अभी एक बार दोबारा देख लो क्या है गोइंग टू किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट अब यहाँ पे देखो ठीक है यहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से हम ईस्ट की तरफ कितने गए हैं टू किलोमीटर ठीक है अब हमें किधर जाना पड़ेगा ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं लेकिन इसका जो अपोजिट हम इस उल्टा कर देंगे तो टू किलोमीटर हम कहाँ चले जाएंगे वेस्ट की तरफ सेंटर से इधर जाओगे तो ईस्ट होगा और उल्टा जाओगे तो क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है वेस्ट ठीक है तो इसमें क्या होगा सिर्फ आपको कहाँ चेंज करना है गोइंग जा रहे हैं तो गोइंग ही लिखना पड़ेगा गोइंग टू किलोमीटर टर्ड्स अब ईस्ट का अगर अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगा वेस्ट ठीक है तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर टू है उसका डी पार्ट हो गया खत्म नेक्स्ट है इसी में ही है क्वेश्चन नंबर टू के ही एक एक तो पार्ट और रहते हैं हमारे ई e पार्ट है टू स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो अ नंबर लाइन ठीक है क्या है टू स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो अब आप यहाँ देखो मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखा रही हूँ और मैं आपको ये कहूंगी कि जब भी आप नंबर लाइन बनाओ तो आप स्केल का और पेंसिल का यूज करो ठीक है अभी स्केल का नहीं कर रही हूं क्योंकि ये रफली ये रफ है तो इसको ऐसे ही बता रही हूँ ठीक है तो इन्होंने क्या है टू स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो अब ये जीरो है ठीक है इन्होंने क्या बोला है टू स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो अब यहाँ जीरो है इसे टू स्टेप हमें एक तो इक्वल डिस्टेंस लेना होता है यहाँ पे ठीक है अब यहाँ अगर हम यहाँ खड़े हैं लेफ्ट में चलेंगे तो इधर जाएंगे मीन्स माइनस वन माइनस टू ठीक है ये तो हमारा क्या है ले, ये लेफ्ट है डायरेक्शन और ये क्या हो जाएगी राइट अब यहाँ से अब इन्होंने बोला है टू स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन अ नंबर लाइन अब ये लेफ्ट की तरफ आया लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे टू स्टेप्स यहाँ से वन टू कहाँ चले जाएंगे हम राइट डायरेक्शन में तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे सब कुछ सेम ऐसे का ऐसे लिखना है टू स्टेप बस यहाँ पे लेफ्ट का क्या बना देंगे राइट टू स्टेप्स टू द लेफ्ट का क्या आ जाएगा यहाँ पे राइट राइट ऑफ़ जीरो ऑन अ नंबर लाइन ओके एंड नेक्स्ट वन इज लूजिंग वेट ऑफ सेवन किलोग्राम हम इन्होंने क्या किया कि कोई पर्सन है उसने लूजिंग वेट उन्होंने क्या किया है अपना वेट लूज किया कितना सेवन किलोग्राम मीन्स वो पहले मोटे थे अब क्या हो गया वेट लूज किया तो क्या हो गया पतले हो गए लेकिन हमें तो इसका लूज वेट किया इन्होंने लेकिन हमें तो इसका अपोजिट बताना है इसका उल्टा बताना है तो उसमें क्या आया कि उसमें वो क्या वेट गेन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गेनिंग अगर वेट और इंक्रीज हो गया उसको हम इंक्रीज नहीं लिखेंगे उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा गेनिंग वेट ऑफ सेवन किलोग्राम मीन न्यूमेरिकल टर्म तो जो यह से किलोग्राम जीरो पे था ठीक है ये सब चीजें तो सेम रहती हैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट का अपोजिट कर देना तो आप क्या करोगे लूजिंग वेट था तो उसमें लूज ना करने की बजाय उन्होंने क्या किया गेन कर लिया मीनस उनका वेट बढ़ गया है गेनिंग वेट ऑफ सेवन किलोग्राम ये आपकी वर्कशीट वन बहुत छोटी है इसमें बस ये लास्ट थर्ड क्वेश्चन इतना ही है लास्ट है ये हमारा सर्कल द नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें से हमें क्या करना है सर्कल द नेगेटिव इंटीजर्स कौन से करने हैं नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स ये जो हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से हमें कौन से लेने हैं नेगेटिव इंटीजर्स जो है, मतलब जिनके इंटीजे कैसा सिंबल लगा हुआ है माइनस का ठीक है हमें उनको क्या करना है एन सर्कल करना है अब यहां तो ये सीधा ही दिख रहा है जहां पे आपको माइनस लगा हुआ नजर आ रहा है आप उनको क्या कर दो एंसरकल कर दो माइनस फिफ्टी नाइन है ठीक है इसको आंसर एंसर्कल कर देंगे सिक्स के आगे कोई सिंबल नहीं है मीन्स यहाँ पे क्या है प्लस है तो ये तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है जीरो जीरो ना मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार मैंने आपको जब डेफिनेशन कराई थी तब भी बताया था आगे कुछ ना लगाओ क्योंकि मैंने ये ब्लू पेन से बाद में लगाया था तो ये कैसे होते हैं पॉजिटिव आगे माइनस का सिंबल लगा वो नेगेटिव और जीरो ना ही हमारी पॉजिटिव है और ना ही हमारी नेगेटिव है ठीक है तो जीरो को हम एनसर्कल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बोला नेगेटिव इंटीजर्स को एनसर्कल करना है तो ये नहीं आएगा इसके आगे माइनस लगा ये तो है ही नेगेटिव तो इसको एनसर्कल कर देंगे माइनस फोर आगे माइनस लगा है तो इसको भी अनसर्कल कर दें फोर्टी फाइव के आगे कोई सिंबल नहीं है मींस ये कैसा है पॉजिटिव अगर इन्होंने आपको ऐसे फोर्टी फाइव लिख के दिया इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है ठीक है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस सिक्सटी टू माइनस का सिंबल लगते ही कैसा हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर वन जीरो सेवन है इसके आगे कोई सिंबल नहीं है मीन्स ये कैसा है पॉजिटिव इंटीजर तो यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट नंबर जो वन है चैप्टर थर्ड की वो हमारी कंप्लीट हो गई है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपको कहीं पे भी आपकी कोई क्वेरी है तो आपको कम, आप कमेंट में पूछ सकते हैं उनसे थैंक यू सो मच